फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईयूपीएस क्लर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों क्लर्क के जितने भी एग्जाम होते हैं ना, ये टॉपिक्स जो है अल्फान्यूमेरिक सीरीज, नंबर वाले सीरीज, वर्ड प्रॉब्लम्स जो भी आती हैं, जो रीजनिंग में सबसे मेन रोल प्ले होता है इनका। क्योंकि 5 मार्क्स जब 3 मिनट में आ रहे हों तो टॉपिक अच्छा ही हो जाता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से और एक एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जरूरी ये है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस कराए जाएं जो पिछले साल आईबीपीएस क्लर्क में पूछे गए थे, तो मैं वही क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ रहा हूं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये। 4 दिसंबर 2016 को पूछा गया था अल्फान्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन, तो वही क्वेश्चन हम लेके चलेंगे। बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स मिलेंगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो लगातार जुड़े रहिए और इस वीडियो को पूरा फोकस रखें। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलते हैं देखिएगा। ओके दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, तो करते हैं इस क्वेश्चन की शुरुआत। कैसे इनको करना है, हर क्वेश्चन का एक ट्रिक होता है कि हम फटाफट से कैसे लेके चलें। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि जो हमारे पास सीरीज दे रखी है ना, तो इसके एलिमेंट्स गिन ले पहले। तो आपको गिनने पर 31 एलिमेंट दोगे, तो सबसे पहले ये काम कर लें एक बार, क्योंकि क्या पता कहीं यूज हो जाए। क्योंकि आपको पता है इसमें दाएं से 13वां, बाएं से 12वां ऐसा कंसेप्ट चलता है ऑर्डर एंड रैंकिंग का। तो आसान होता है हमारे लिए कि आसानी से हम इसको गिन लेते हैं, तो एक बार गिन के रख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जैसे कि बोला हुआ है, दी गई व्यवस्था के अनुसार 5 में से 4 किसी एक निश्चित तरीके से समान है। ये क्वेश्चन हमेशा देखा जाता है, ठीक है, और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं, मतलब ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज में दे रखा है तो आपको पढ़ते ही पहचान लेना है। अच्छा, ऑड वन आउट वाला है तो क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं रखना है, मैं बता रहा हूं। ये चीज आपको जल्दी करने की है क्योंकि 3 मिनट का टारगेट लिया है। तो कैसे करेंगे, ऑप्शंस पे जाइए सीधा। सबसे पहले ऑप्शंस देखेंगे, तो पहला ऑप्शन आपके सामने है UH ओम, जी ओम का साइन होता है। तो सबसे पहले जो पहला जो हमारे पास एलिमेंट दिया होगा, आपको साफ साफ बता देता हूं कि जो लाइन में जितने भी मतलब हमारे पास ये सीरीज दिख रही है, ये सारे क्या है, एलिमेंट्स हैं। ओके, और जितने भी ये WABCD हैं, ये क्या है, लेटर्स हैं। तो ये इसका जरूर ध्यान रखें, वर्ण है, वर्णमाला बोलते हैं, तो इस तरीके से आपको लेटर्स याद रखने हैं ना। तो ऐसे आप इन क्वेश्चन में फंस सकते हैं, आगे क्वेश्चन आएंगे, ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए जरूरी है। तो देखिएगा, ऑरली करने वाले हैं। यू को देखिए पहले, यू यहां पे है अपने पास, इसके बाद में क्या है, एच कहां पे दिख रहा है, इसके 3 छोड़ के एच आ रहा है पीछे की तरफ, है ना, मतलब बाएं तरफ, है ना, लेफ्ट तरफ आ रहा है। आप देख लेना इस सीरीज का, लेफ्ट राइट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, तो लेफ्ट 3 छोड़ के एच आ रहा है, ये दिमाग में बैठा लिए चीज। उसके बाद ओम कहां आ रहा है, तुरंत दाएं, मतलब इमीडिएटली हमारे पास राइट में आ रहा है ओम। तो ठीक है, ये देख लिया हमने, ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं दूसरा देखते हैं, 9 देखिए, सबसे पहले बी ऑप्शन पे आ गया मैं, 9 देखिए, 9 के बाद डी देखिए, डी कहां आ रहा है, 1 छोड़ के आ रहा है ना। उसके बाद क्या है, एच के छोड़ के 7 आ रहा है, तो मतलब एक छोड़ के दाएं, एक छोड़ के बाएं, हमारा ऐसे चल रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। अब सी पे आते हैं और सी देखते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्योंकि अगर सी में अगर बी वाला पैटर्न चलेगा तो ए हो जाएगा, और अगर ए वाला पैटर्न चलेगा तो बी हो जाएगा, क्योंकि सारे 4 समान हैं और एक अलग है, यही तो ट्रिक है, 4 समान है और एक अलग है। तो अब ये देख चेक करते हैं, तो एट द रेट पे जाइए फटाफट से, एट द रेट पे जाइए सीरीज पे, तो एट द रेट पे गए। ठीक है, उसके बाद जी आ रहा है, तो जी क्या आ रहा है, लेफ्ट में 1 छोड़ के, है ना, तो जी आ गया। ठीक है, इसके बाद स्टार कहां आ रहा है, स्टार आ रहा है हमारा जेड, मतलब जेड को छोड़ रखा है फिर स्टार आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बी और सी का सेम पैटर्न है। तो बाकी का आपको पता है ए ऑप्शन अलग था क्योंकि उसमें 3 का गैप आ रहा था लेफ्ट में, तो बस यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर देंगे ऑरली, आपको पेन पेपर यूज करने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, आप ऑरली भी इनका आंसर दे सकते हैं, इसलिए मैंने बोला था कि 3 मिनट में हमारे 5 क्वेश्चन डेफिनेटली हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, दी गई व्यवस्था के अनुसार दाएं छोर से 13वां, दाएं छोर से 13वां तत्व, मतलब एलिमेंट की बात की गई है, तो ये सारा सीरीज से रिलेटेड है, समझ रहे हैं, एलिमेंट है सारे ये जितने भी हैं, Na3K2 एट द रेट, ये सारे एलिमेंट में आते हैं। ठीक है ना, तो आपको समझ लेनी है चीज कि क्या बोल रहा है ना। दी गई व्यवस्था के अनुसार दाएं छोर से 13वां के तत्व के दाएं 7वां कौन है। अब आपको मैं बात बता देता हूं, ये ट्रिक है, आप इसको नोट कर लें, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है,
ट्रिक क्या होती है, अगर क्वेश्चन में ये बात की गई है कि राइट राइट, राइट लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट राइट या फिर लेफ्ट लेफ्ट, ये चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, बस अपने पास चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा नहीं। और रही छोर की बात, मतलब एंड कैसे पता लगेगा, आपको साफ तौर पे क्वेश्चन में दिया जाएगा, ये साफ दे रखा है, आप क्वेश्चन दोबारा देखिए, दी गई व्यवस्था के अनुसार दाएं छोर से, तो बस आपको क्वेश्चन में आंसर दे दिया इसने कि आपको बस आपको राइट एंड, आपको राइट एंड पे फोकस करना है, ठीक है, तो राइट एंड पे फोकस करना है, तो बस आपको यहाँ सीरीज खत्म हो गई, ये क्वेश्चन खत्म होने वाला है, बस आपको ये देखना है कि क्या बोला है, दाएं छोर से 13वां और दाएं छोर से 7वां, तो मतलब राइट राइट का कॉम्बिनेशन है, सही बात है ना, राइट राइट का कॉम्बिनेशन है। अगर सेम, मतलब आप जानते हैं चुंबक का हम उदाहरण लेते हैं, मैग्नेट का उदाहरण लेते हैं, अगर सेम पोल एक दूसरे के पास जाएंगे तो क्या करेंगे, अपोज करेंगे, अपोज मतलब माइनस, ठीक है, अपोज का मतलब क्या है, माइनस, विपरीत पोल है मतलब लेफ्ट राइट है तो क्या होगा, प्लस, विपरीत है लाइट राइट लेफ्ट हो तो होगा प्लस, लेकिन अपोजिट होंगे मतलब सेम होंगे तो क्या होगा, माइनस। तो इस तरीके का कंसेप्ट फॉलो करना है इसमें कि राइट राइट आ गया जैसा कि बोला है, दाएं छोर से मतलब आप सबसे पहले राइट एंड पे चले जाइए, दाएं छोर पे चले जाइए, उससे 13वां, उससे 13वां और उसके दाएं 7वां, तो सीधी सी बात है 13 बड़ा है, उसमें से 7 घटा दीजिए कितना आ जाएगा, छठा तत्व ढूंढना है, सिक्स्थ एलिमेंट ढूंढना है, कहां से हमें, कौन से छोर से ढूंढना है, दाएं छोर से, क्योंकि क्वेश्चन में दाएं छोर के ही बारे में बात की गई है, अगर बाएं छोर के बारे में बात करता तो हम बाएं से लेते, समझ रहे हैं आप चीज, और कंसेप्ट सेम चलने वाला है, तो एक कंसेप्ट में राइट लेफ्ट वाले में आपके चार क्वेश्चन कवर हो गए, अभी तो इस वाला पूछा गया था पिछले साल, और दूसरी शिफ्टों में लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट पूछ लिया होगा, लेफ्ट राइट पूछ लिया होगा या फिर लेफ्ट लेफ्ट पूछ लिया होगा, तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आपको तुरंत इमीडिएट आंसर देने के लिए आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर सेम आ जाए, है ना, और एंड जो भी गिवन है क्वेश्चन में वहां से हम जो बड़ा होगा वहां से माइनस कर देंगे सेम में, और अगर अलग अलग होंगे राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन होगा तो प्लस कर देंगे, बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपको याद हो जाए दोस्तों, है ना, तो 13 में से 7 गए तो 6, बड़े में से छोटा घटाना है डायरेक्टली आप कर लेना, टेंशन वाली बात नहीं है, तो सिक्स एलिमेंट राइट से, देखिए सीरीज में कौन सा है, राइट से 6 चलिए, ई कॉपी राइट 6 3 हो गया, वाई इक्वल और आर, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, छठा कौन सा है, आर हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए आर हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना, ये आर हमारा एलिमेंट है सिक्स्थ राइट से, क्योंकि राइट एंड हमें गिवन था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जैसा कि क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे करते हैं इसको, दी गई व्यवस्था के अनुसार सेम बात की गई है, दाएं छोर से 14th, ठीक है, तो आप फटाफट से, ये रफली सारा काम है ना, तो आप लिख दीजिए राइट एंड से 14, तो ये आपको पता है ये राइट एंड होता है और ये लेफ्ट एंड होता है, ये आपको पता होना चाहिए, तुरंत ही क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, बहुत जल्दी 10-20 सेकंड में आंसर आने वाले हैं, दाएं छोर से 14th और बाएं छोर से 7वां, तो वैसी बात है बाएं छोर से 7th, ठीक है, क्या बोला है कि बीच कितने वर्ण है, अब देखिए मैंने बोला था ना ट्रिकी चीज आ गई है, इन दोनों के बीच में कितने वर्ण है, मतलब कितने लेटर्स है, अब बात समझ में आ रही है आपके, लेटर्स क्या होते हैं, ए बी सी डी वाले होते हैं, समझ रहे हैं, तो आपको इन दोनों के बीच में आप देखते हैं पहले ये देखिए 14th कौन सा है, राइट से 14 चलेंगे तो फटाफट से आपको मेजरमेंट तो करना ही पड़ेगा, 1 2 3 4 5 जैसे मैं काउंट कर रहा हूं आप भी वैसे काउंट करिए, क्योंकि हमें 14 पे पहुंचना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14th कहां आ रहा है, राइट से डॉलर आ रहा है जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अब चलना है हमें लेफ्ट से 7th, 1 2 3 4 5 6 7, क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है, अब 8 और डॉलर पे फोकस करना है, बाकी कुछ भी नहीं देखना सीरीज में, है ना, यही आपको फोकस करना है, आप अगर काउंट कर लेते हैं ऑरली काउंट करना पड़ेगा और आप लिख लें कॉपी में डॉलर ये है 8 ये है, इसके बीच में कितने लेटर हैं, कितने वर्ण हैं, ये निकालना है, एलिमेंट नहीं निकालना है, अगर एलिमेंट निकालेंगे ना तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, तो यही चीज समझने की है, तो 8 और डॉलर के बीच में देखते हैं वो लेटर काउंट करने हैं बस, तो लेटर क्या होंगे हमारे पास, 8 से देखिए जी आ गया, जी लेना है, जेड लेना है और डी लेना है और एच लेना है, तो हमारे पास 4 इसके बीच में लेटर आ जाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा, और ट्रिक क्या, मतलब इसमें कंसेप्ट क्या था, इंपोर्टेंट कंसेप्ट क्या था कि हमें लेटर काउंट करने हैं, वर्ण काउंट करने हैं कि कितने वर्ण हैं, वर्ण क्या होते हैं, ए बी सी डी होते हैं, तो ये काउंट करने पड़ेंगे 8 और डॉलर के भी जितने भी आएंगे, तो इस तरीके से आपको ये फटाफट से परफॉर्म करना है चीज, 20-30 सेकंड का काम है, बहुत आसान काम है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो देखिए ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, चलते हैं इसको देखते हैं, दी गई व्यवस्था के अनुसार जो ये अरेंजमेंट दिया हुआ है,
दाएं छोर से आठवां तत्व, तो आप ऐसे लिख लें राइट से एट्थ, ठीक है, दाएं छोर से आठवां तत्व और बाएं छोर से दसवें तत्व के बीच, ऑब्वियस सी बात है बाएं छोर से दसवें तत्व के बीच, ठीक है ना। तो बस उसी तरीके से काउंट करना है के बीच सभी संख्याओं का योग। अब इसके इनके बीच में जो संख्याएं आएंगी उनका योग निकालना है, नंबर का हमें योग निकालना है, ठीक है, नंबर्स का सम निकालना है। तो ये क्वेश्चन है, तो अब देखते हैं राइट से एट्थ, तो चलते हैं राइट से एट्थ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या आ रहा है एंड आ रहा है, ठीक है। इनके बीच की बात करनी है, इनको काउंट नहीं करना, अगर ये नंबर भी हुआ ना तो आपको लेना नहीं है, समझ रहे बात, यही कंसेप्ट है। अगर यहाँ पे 5 आ जाए तो यहीं इसको ऐड कर लें, ऐसे ऐड नहीं करना है, बीच की बात की गई है तो बीच में ही लेना है, समझ रहे हैं। तो चलते हैं अगला क्या है, टेंथ, लेफ्ट से टेंथ चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एट द रेट आ रहा है, तो एट द रेट आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो संख्याएं हैं उनका सम निकालना है, तो संख्या क्या हो जाएगी, एट द रेट के बाद संख्या क्या आ रही है, 9 आ रहा है। एक तो देखिए आप भी सीरीज में देखते चलिए, 7 आ रहा है, 5 आ रहा है और 1 आ रहा है, ठीक है। अब इनका ऐड कर लीजिए, 9 और 7 16 और 6 22, तो 22 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, यहीं से आपका स्कोर बिल्डअप हो सकता है दोस्तों, तो इन टॉपिकों को तो बिल्कुल छोड़ के ना जाइए, हर तरीके के क्वेश्चन मैं आपको कराता रहूंगा कंटिन्यू, लेकिन ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब मैं आप आगे आने वाली उसमें वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम लेके आने वाला हूँ सीरीज में, मतलब इसमें जो रीजनिंग में पूछी जाती है वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम, अगले क्वेश्चन अगली जो हमारा वीडियो होगा यही होगा, तो बिल्कुल जुड़े रहिए। लगातार मैंने आईयूपीएस क्लर्क की तैयारी स्टार्ट कर दी है, प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं आप भी देख सकते हैं, पजल मैंने बताया कि कैसे सॉल्व करना है, तो लगातार जुड़ते रहिए, और जल्दी ही मैं टाइम मैनेजमेंट का भी वीडियो आपके सामने लेके आने वाला हूं, तो बिल्कुल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़ते हैं इसको। दी गई व्यवस्था में सभी वर्ण हटा दिए जाएं। अब वर्ण की बात की गई है तो आपको ये नहीं एलिमेंट हटा दिया, बस वर्ण वही लेटर की वाली बात की गई है, तो ए बी सी डी वाले ये हटाने हैं, कहां से हटाने हैं ये आगे पढ़ते हैं। हटा दिए जाएं तो निम्न में से कौन सा 4 के बाएं 3रा तत्व। अब देखिए यहां से मतलब थोड़ा लैंग्वेज के चक्कर में हमें कंफ्यूज कर सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सबसे पहले क्या देखना है, 4, अब इसको ऑरली करने वाले हैं, ठीक है ना। 4 देखो, सीरीज में 4 पे जाइए, 4 हमारे पास एक ही मिलेगा हमें, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, समझ रहे हैं मेरी बात। 4 के बाएं 3रा, तो 4 का लेफ्ट चाहिए, लेफ्ट जाएंगे, तीसरा कौन है, 1 2 3, आप समझ रहे हैं मेरी बात, 4 के बाएं 3रा जाना है, लेकिन क्या कह रहा है, पहले एक कंडीशन दी गई है कि हमें लेटर्स हटाने हैं, तो लेटर्स हटाएंगे तो जी हट गया, ठीक है, तो पहला कौन हो गया, 8 हो गया, डब्ल्यू हटा ही दिया है क्योंकि हम लेते ही नहीं है लेटर्स को, तो है ना, तो पहला 8 हुआ, दूसरा क्या हुआ, 2 हुआ, और उसके बाद के हटाया, हटाना पड़ेगा ना ये तो, क्योंकि वर्ण हटाने हैं, तो तीसरा कौन सा हुआ, 3 हो गया, तो ऑब्वियस ही बात है, तो पहला जो हमारे पास एलिमेंट आएगा वो आएगा 3, ठीक है, पहला जो एलिमेंट आएगा वो 3 आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है कि तीसरा तत्व, तो ये आ गया हमारे पास, है ना, और ओम के दाएं चौथा तत्व, लेटर नहीं लेने हैं, वही बात हो गई, ओम के दाएं चलते हैं 4th पे, तो ओम के दाएं चला मैं पहले, तो 1 आया, ये लेना है मुझे, ठीक है, ये ऑरली चल रहा है सारा काम, एल नहीं लेना, एंड लेना है, एस नहीं लेना और आर नहीं लेना, अभी 2 ही चले हैं हम, ठीक है, इक्वल लेना है, इक्वल तो लेना है, सिंबल है, वाई नहीं लेना, और चौथा कौन सा आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ऐसे आपको ऑरली क्वेश्चन करना है, बस स्क्रीन पे उंगली रखेंगे और आपको जो एलिमिनेट करना है कंडीशन जो होगी वो दिमाग में रखेंगे, तो आप बहुत आसानी से 10-20 सेकंड में कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 30 एलिमेंट 31 एलिमेंट की सीरीज आती है, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, हम ऑरल आंखों से तो बहुत सरसरी निगाहों से देख सकते हैं, लेकिन सफाई से काम करेंगे तो आसानी से 5 के 5 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4th आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका 3-6 आंसर आ जाएगा। तो ये थे अल्फा न्यूमेरिक के जो पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए थे, 5-4 दिसंबर 2016 की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। कंटिन्यू ऐसे ही सेशंस प्रीवियस ईयर्स के मैं आपके सामने लाऊंगा, जिससे आपको पेपर का मतलब पता लगेगा कि लेवल क्या रहता है, और हमेशा से ही ऐसा ही लेवल रहता है, तो इसी साल भी ऐसा ही रहने वाला है, और भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं, तो बिल्कुल जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।